और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंच रहे हैं, जहां आज से सरकारी अस्पतालों में मिलेगा फ्री इलाज। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको याद कि अस्पताल में ओपीडी सुविधाएं भी फ्री में मिलेगी, मरीजों की सभी दवाइयां और जांच फ्री में होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, बाहरी राज्यों से आने वाले मरीजों से देना होगा नियमानुसार पार्किंग, कैंटीन, कॉटेज, वार्ड की सुविधा का भी लगेगा शुल्क। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आपको बता दें कि आज से सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा, मुफ्त इलाज मिलेगा सरकारी अस्पतालों में। अस्पताल में ओपीडी सुविधाएं भी अब फ्री में ही मिलेगी, मरीजों को सभी दवाइयां और जांच फ्री में की जाएगी, जांच भी फ्री में होगी, साथ ही साथ दवाइयां भी फ्री में दी जाएगी मरीजों को। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि कॉटेज, कैंटीन, वार्ड की सुविधा का भी लाभ मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज मिल सकेगा आप मरीजों को, दवाइयां भी फ्री में मिलेगी, साथ ही साथ जांच भी फ्री में होगी, ओपीडी सुविधाएं भी फ्री में मिलेगी, मरीजों की सभी दवाइयां और जांच फ्री में होगा। तो बाहरी राज्यों से आने वाले मरीजों से देना होगा नियमानुसार शुल्क, वहीं पार्किंग, कैंटीन, कॉटेज, वार्ड की सुविधा का भी शुल्क लगेगा, यानी कि जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए शुल्क होगा, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अब इलाज जो है फ्री कर दिया गया है, ओपीडी सुविधाएं फ्री कर दी गई है, साथ ही साथ दवाइयां फ्री कर दी गई हैं, जांच फ्री कर दी गई है। अब जो सरकारी अस्पताल में दवाइयां मुफ्त होंगी, साथ ही साथ जांच भी मुफ्त कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, जहां अब फ्री सेवा मिल सकेगी मरीजों को, आज से सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज दिया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मरीजों की सभी दवाइयां और जांच भी फ्री में होगी, बाहरी राज्यों से आने वाले मरीजों से देना होगा नियमानुसार शुल्क। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कोटा से राजेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं लाइव, राजेंद्र से जानना चाहेंगे। राजेंद्र, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि अब सरकारी अस्पतालों में फ्री में इलाज मिल सकेगा मरीजों को, तमाम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे राजेंद्र। राजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल सोनाली, मैं सुन पा रहा हूँ आप, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 बिल्कुल, आप कहें। सोनाली, राजस्थान सरकार का एक बड़ा कदम है और इसको ऐतिहासिक फैसला भी कहेंगे, क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था में और अच्छा विकल्प राजस्थान कर सके इसके लिए यहाँ पर सभी तरह की जांचें और ओपीडी सेवाएं निःशुल्क कर दी गई है। हम खड़े हुए हैं कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल का तीसरे नंबर का गेट है, जहाँ पर लोग प्रवेश करते हैं और साथ में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह पहले जो लंबी लाइनें लगी होती थी वो लाइनें अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मरीजों को यहाँ पर अच्छी सुविधा मिल सके जिसके लिए बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी काउंटरों पर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, मगर जिस तरह से पहले यहाँ पर भीड़ होती थी, क्योंकि अब यहाँ जीरो बैलेंस शीट पर पर्ची काटी जाती है, उस पर लिखा जाता है, जिसे डॉक्टर MRI लिखता है, तो MRI को निःशुल्क, इसके बाद में किसी प्रकार का कोई पैसा यहाँ पर अब नहीं देना पड़ेगा। तो एक बेहतर बात है, यहाँ लोगों से भी बात करना चाहेंगे। भैया कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? विशाल वैष्णव, कोटा से। किस चीज की जांच करवाने आए? जांच नहीं करवाने, स्किन का दिखाना था। पैसे लिए किसी प्रकार के आपसे? अभी तो आया हूँ मैं। तो ये जो सरकार ने जो फैसला लिया है इसको किस तरह से देखते हैं? कौन सा फैसला? ये जो फ्री में जांचें करने का, फ्री में ओपीडी सेवाएं करने का, बढ़िया ही हो। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने जिस तरह से ये कदम उठाया है इसको लोग यहाँ पर बेहतर बता रहे हैं, क्योंकि अब MRI से लेकर CT स्कैन और चाहे कितनी जांचें हो, थायराइड वगैरह, सब जांचें यहाँ पर फ्री होगी। और संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों में यहाँ पर कोटा में दो बड़े अस्पताल हैं, MBS अस्पताल और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, यहाँ पर दोनों जगह लोगों की काफ़ी भीड़ लगती थी, अब वो भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके,
बेहतर इलाज मिले, इसके लिए सोनाली राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। जी सोनाली जी, राजेंद्र आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो सुविधाएं हैं वो तो मुफ्त की ही की है, लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि जो पार्किंग की सुविधा है, साथ ही साथ जो कॉटेज की सुविधा है उसमें जो बाहरी लोग जो आते हैं उसमें शुल्क दिया जाएगा, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सोनाली, इस तरह का ये फैसला जो लिया गया है कि बाहरी राज्यों से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर शुल्क की व्यवस्था होगी, क्योंकि चाहे पार्किंग हो चाहे कोटेज वार्ड हो, कोटेज वार्ड एक तरह से सेफ वार्ड होता है, उसके लिए अलग से एक रूम होता है, तो उसका पैसा लेना भी कहीं ना कहीं जायज है। अगर बाहरी राज्य से कोई आता है तो राजस्थान लोगों के, राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए ये व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात सोनाली ये है कि अभी इस व्यवस्था को एक महीने के लिए ड्राई रन पर रखा गया है। अगर ये व्यवस्था ड्राई रन पर एक महीने में किस तरह की कमियां सामने आती है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं क्या समस्याएं सामने आ रही, उन समस्याओं को लिखित में जो अधीक्षक है वो नोट करेगा और नोट करने के बाद में राज्य सरकार को अवगत कराएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई चीज का शुरुआत होती है तो उसमें कई तरह की परेशानियां भी आती है, तो उन परेशानियों से बचने के लिए यहाँ पर ड्राई रन के तौर पर यह व्यवस्था लाभ पर लागू की गई है। जी सोनाली जी, राजेंद्र आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कि एक जहां ये खबरें सामने आ रही हैं कि फ्री मुफ्त में इलाज दिया जाएगा, साथ ही साथ दवाइयां भी मुफ्त में दी जाएंगी मरीजों को, वहीं ये जो सुविधा है ये सिर्फ राजस्थान वासियों के लिए, या फिर जो बाहर से अगर अपना इलाज करवाना चाहते हैं राजस्थान के अंदर आने के बाद, तो उनके लिए भी ये सुविधा जारी रहेगी? सोनाली, जैसा कि मैंने इंडिया न्यूज राजस्थान के दर्शकों को बताया, अभी ये व्यवस्था राज्य सरकार ने खुद ड्राई रन के बेस पर रखी गई है। एक महीने तक इस व्यवस्था को ट्राई किया जाएगा, इसमें क्या क्या खामियां आती है, राजस्थान के सभी जिलों के जितने भी अस्पताल हैं वो इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। आज से एक अप्रैल से 1 मई तक इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। जी, जी, इसके बाद में इसमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी जी राजेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही खबरों में आगे बोल लेते हैं, उदयपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, तमाम और भी जानकारी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।